नई रेसिपी बताने जा रही हूँ। पांता भात बनाएगी ये शांता। बहुत बढ़िया, इससे टेस्टी आज तक नहीं बना। इसे कहते हैं महाराजा भोग। सारा ससुर जी का बंडल दी गया। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मैं देख रही थी मेरे यहाँ से ना बाल वाइट हो रहे हैं दिमाग के पास से, तो हर्ष मुझे बोलता है कि तू दिमाग यूज नहीं करती, इसीलिए तेरे दिमाग के पास से बाल सफेद हो रहे हैं। तो मैंने बोला इसका मतलब तू फिर पूरी खोपड़ी यूज नहीं करता, क्योंकि इसके तो पूरे सर के बाल सफेद है। आया बड़ा म्यूजिक। ऐसा खड़ूस है यार ये, मैं बड़ा डरती हूँ कि अभी तो शादी को हमारे 6-7 साल हुए हैं, 17 साल बाद, 27 साल बाद, 37 साल बाद, 47 साल बाद, ये मेरा क्या हाल कर देगा यार। इसके खड़ूसियत की हद कहाँ तक चली जाएगी दोस्तों। जो ऐसे होते हैं 30-35 साल की उम्र में, ये मुझे आप बताना कि 50 साल बाद कैसे होते हैं। अगर आपके घर में या आपके आसपास पड़ोसी में या कहीं भी आपको ऐसे शख्स मिले जो बचपन से ही ऐसे थे और अब तो कयामत बन चुके हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इनके साथ मतलब हमको ही हुआ है। इस तो भरोसा मत करो, ये साधारण आदमी नहीं है, बड़ा एक्टर है। भैया अगर ये इसके हाथ से छूट गया ना Oh, no. तो बालकनी में बैठे जो हमारे पड़ोसी हैं आंटी अंकल, उनके मुंह पे चाटे बजेंगे ये सट, और उनको समझ भी नहीं आएगा कहाँ से आया। उनको लगेगा इस उम्र में भगवान की पड़ी है हमें। ये ना जानबूझ के सुबह ऐसी एक्सरसाइज करके मेरा मूड ऑफ करता है और मुझे बताता है कि तू नहीं करती, तू फिट नहीं है। बट दोस्तों मैं काफी फिट हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, और काफी फ्रेश। नहीं भाई, आपको पता है कि आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताने जा रही हूँ। नई रेसिपी तो नहीं होगी, काफी लोगों को पता होगा। हर्ष ने मुझे 3-4 दिन पहले इंस्टाग्राम में भेजी थी कि भारती आज से मैं यही खाया करूंगा, और उस रेसिपी का नाम है पांता भात। पहले 2 दिन तो मुझे कांता भात ही लगता रहा, शांता भाई। तो चलिए बताते हैं आपको कि पांता भात कैसे बनता है। पांता भात बनाएगी ये शांता। पांता भात के लिए मैं आपको बता दूं, पखाल भात जैसा ही है, काफी, बस इसमें थोड़े प्याज व्याज डाल देते इसलिए पांता हो गया, वरना तो ये शांता ही रहता। तो ये जी रात के चावल है जो पानी में भिगो के रखे हैं। क्या हुआ, क्या है? पूरे ने चबा डाला। ओह नो, मैं मर गई। कहाँ से मिला? टेबल के नीचे लेके गया था, रात भर चबा रहा था, लेकिन इसका ढक्कन। थैंक गॉड यार, ये ओजीवा वालों ने इसका ढक्कन इतना टाइट बनाया है, एयर टाइट, कि कुत्ता सारा रात चबाता रहा लेकिन खोल नहीं पाया। थक गया बूढ़ा, सो रहा है अभी, रात भर ओजीवा मोरिंगा चबाया उसने। थक गया हूं, मैं अब सोना चाहता हूं। तो चलिए जी, इसने बीच में आकर जो खराब कर दिया था, खराब नहीं बचा लिया यार मेरा ओजीवा मोरिंगा। ये है रात के चावल जो हमने पानी में भिगो के बाहर रखे थे, वो भी बालकनी में, क्योंकि अंदर रखते तो शायद गर्मी से खराब हो जाते, फ्रिज में रखते तो मजा नहीं आता, इसीलिए रात भर ये बाहर थे और अभी इधर है। और साथ में जो मेन इसकी डिश है वो है आलू का चोखा। आलू के चोखे का गोला बना के उसमें डालते हैं, शायद उसको ही पांता कहते हैं, तो वो पांता डालते हैं और भात वो होता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, पर पता नहीं यार, जिसकी भी डिश हो प्लीज गुस्सा मत करना, मुझे पता नहीं ये पांता किसको कहते हैं, भात तो पता है चावल को बोलते हैं, पांता नहीं पता। तो चलिए पांता भात बनाते हैं और शांता को खुश करते हैं। शांता भाई, तैयार हो तुम तीनों? शांता भाई, ये दोनों ही बोली, तैयार हो सूजी और गुजी? चलिए जी, इसमें कच्चा सरसों का तेल जाता है जो हम डालेंगे,
और साथ में जाएगी दही। सब अंदाजे से होता है दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने चम्मच क्या और कितने चम्मच क्या, इसीलिए अंदाजे से जो मेरे पति को रोज पसंद आ। नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। भाई ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। स्टमक के लिए माइंड ब्लोइंग है, आपका स्टमक में पेन हो रहा हो तो ये बहुत ही फ्रेश और लाइट फूड है। जहाँ तक मैंने वो रील में सुना था वही मैंने छाप दिया, मतलब मैंने वही बोल दिया। और जब से हर्ष खा रहा है 3-4 दिन से, उसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइट फील हो रहा है, बहुत। और चावल का मज़ा तभी है जब थोड़े से गीले बने हो और रात भर पानी में रखे हैं। पंजाब वालों बना लो भाई, बड़ी गर्मी बड़ी होती है वहाँ पे। अभी तो चलो ठंड आने वाली है, लेकिन गर्मियों के लिए ये डिश है। हमारे बॉम्बे में तो 12 महीने एक जैसा मौसम रहता, थोड़ी सी ठंड आती है, लेकिन गर्मी गर्मी तो चुपती गर्मी गर्मी। चलिए जी, आइए मनीषा दीदी, इसमें हम डालेंगे प्याज, हरा धनिया और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो एक बार मैंने भर के डाल दी थी, हर्ष कहता भाई दोपहर को थोड़ी खा रहा हूँ। तो मनीषा दीदी थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च डालेंगी, डर के प्याज डालेंगे, धनिया डालेंगे, थोड़ा सा और डालें, कंजूसी मत करें। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का और चोखा, बताएंगे आपको। चोखा सबको पता है पर फिर भी बता देंगे। ये आलू का चोखा जो हमने थोड़ा बना दिया था, इसमें है उबले आलू, हरी मिर्च, प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसमें डालेंगे हम सरसों का कच्चा तेल और इसको मनीषा जी हाथ से मलेंगी। इधर तड़के के लिए मैंने पैन रख दिया है, पांता भात के लिए तड़का लगाते हैं सरसों के तेल का, इसमें डालते हैं जीरा और राई। डालो जी कड़ी पत्ता, पांता भात रेडी हो गया है। ये ब्रेकफास्ट है, लंच अजय बनाना है। ये आलू का चोखा भी रेडी है। अब इसमें बारी है इस चोखे को मिक्स करने की। पांता भात रेडी है, पति का ब्रेकफास्ट, वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आके खाएंगे और फिर अपने स्लो मोशन में रिव्यू देंगे। और आज इसमें ये कम है ऐसा ज़रूर कहेंगे, अगर नहीं कहता है ना तो मुझे मज़ा नहीं आता। फिर भर के पूरा खा जाता है वो, कमी निकाल के पूरा खा जाता है और भी मांगता है, फिर हम सब रह जाते हैं। ये इसका प्यार है। वाह, ना कुछ रिव्यू दिए ना कुछ ये, पांता का तू तुमने फांता बना दिया, कैसा है इसी बता। बहुत बढ़िया, नमक भी सही है। नहीं नहीं है यार, कोई गलती नहीं निकाली। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। गलतियां खाने में नहीं है, गलतियां बीवी में, समझी। खाना बीवी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन उसके अलावा देख, सामने रोटी नहीं पड़ी, कटोरा पड़ा पांता भात का, ज्यादा बोला ना बाल पकड़ के इसमें तेरा मुंह डाल दूंगी। थैंक गॉड गाइस, सुबह सुबह मेरा दिन बन गया। मेरे पति ने कहा कि शांता ने पांता बहुत अच्छा बनाया है। इससे टेस्टी ब्रेकफास्ट आज तक नहीं बना, और ये बहुत पुराना एंशियंट ब्रेकफास्ट है। खाते ये ब्रेड की कंपनी वालों ने मुझे खांसी लगवा दी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत पुरानी चीज है, प्लीज इसे खा के कमेंट करना कैसा लगा। ये पांता भात से नहीं हुआ,
ये जो ठंडे ठंडे पानी पिए जाते हैं उनसे हुआ है। मैं बता दूं कि ये हर्ष इस डिश की बहुत तारीफ कर रहा है, सच में बहुत अच्छी है, बट ये हर्ष 2-3 महीने ही खाएगा, उसके बाद इसकी लाइफ में कोई और स्टेट की नई डिश आ जाएगी जो कहेगा ये बहुत बढ़िया है भारती, यही है यही यही। सो मैं आज आपको पूरे की लिप्स दिखाऊंगी और हमने इसकी चोरी पकड़ ली है, ये छुप छुप के बीड़ी पीता है, क्योंकि ये देखिए जूम कीजिए जरा, ये देखिए लिप्स देख रहे हैं आप, देख ले देख। सारा ससुर जी का बंडल पी गया बीड़ी का। सो गाइस आज बंगाली खाना बन रहा है, सो बंगाली में ही सुनते हैं दीदी मोस्टो गोस्टो गश क्या बनाने लगी दीदी आज के सोयाबीन तरकारी माखो 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 चटनी टमाटर चटनी छोला दाल चटनी तेतुले चटनी और एटा करला भाजा और एंड में तिरामिसु क्या बोला तिरामिसु निरामिस मतलब वेजिटेरियन हो रहा है कोई नॉनवेज नहीं है। हाँ मुझे लगा तिरामिसु भी बना रही है तिरामिसु बंगाली खाना खाएंगे तो पता नहीं अलग अलग तरह की चटनियाँ बनाई गई है सोयाबीन प्रॉपर प्योर वेज। हाँ जी वैसे जी सब चीज नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मेरी बीवी ऐसे ही बातें करती है। खाने लगी हो भाई मैं तो खाना, बड़ी भूख लगी है और एक्साइटेड रहता है बंदा अगर कोई अलग स्टेट का खाना खाने मिले तो। चलिए जी ये मेरी थाली है, टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, पता नहीं किसकी चटनी, करेला फ्राई, आलू सोयाबीन की सब्जी, पनीर भुर्जी, चने की चटनी, दाल भात। चलिए जी रात बात हो गई है, बच्चा भी खाना खा रहा है, मैंने तो खाना खाया नहीं और ना ही हर्ष ने खाना खाया। शाम को हमने कुछ खा लिया था, सही से बता क्या खाया था शाम को तुमने, सही से बता बोल कि मैंने खाना खाया नहीं और हर्ष को मैंने खाना दिया नहीं, ठीक है दिया नहीं, यानी कि हर्ष ने भी नहीं खाना खाया, नहीं खाना क्यों खाया क्योंकि दिया नहीं। गलत, झूठ बोल रहा है ये। खाना खा चुका है तुम खाना क्योंकि तुम्हारा कल शूट है। सो गाइस मैं भी नहीं खा रही हूँ कि सुबह से बड़ा रिच फूड खा रहे हैं हम, मेरी बात को घुमाई दिया, तूने खाना खा लिया जब मैं बोल रहा हूँ मुझे खाना है, मैं ही बोल रहा हूँ यार मैं ही हूँ आज, कोई थर्ड पर्सन नहीं है यार। मैं सोच रहा हूँ बाल बढ़ाऊं दोस्तों, किसी को इस बात पे इंटरेस्ट है नहीं, सोच रहा हूँ बाल बढ़ाऊं दोस्तों। किसको बोल रहे हो, मेरे को मेरे लोग हंसने लग गए, मेरे को मेरे दोस्त ने बोला है जो बंदा आता ही नहीं व्लॉग में बीच में आके सलाह लेगा सबसे, वो इतने वेले है, फूक मत डाल मेरी स्क्रीन पे। ये सब चीजें ना हर्ष लिम्बाजिया एक्स पे करना, ओके एलओएल पे नहीं, नहीं। पति पत्नी होंगे घर में, बाहर चैनल अपना अपना, और इस वक्त हम घर पे हैं तो हम पति पत्नी हैं। चलिए जी आज सुबह से रिच फूड खा रही हूँ, सुबह तो पहले इसका पांता भात खाया, फिर उसको उसके बाद दोपहर को हमने बंगाली खाना खाया। जब से तूने पांता भात खिलाया ना मेरे गले में थोड़ी खराश सी लग रही है। ओह नो, देखा दोस्तों, देखना देखा दोस्तों वहाँ पर कोई गलती नहीं निकाली गई थी, जब पांता भोजी लगा भाई मेरी फर्स्ट टाइम तारीफ कैसे हो गई फर्स्ट बाइट पे, लेकिन इसको पता था इसने एंड में की रखी थी, एंड पंच रखा था इसने लास्ट में बोलने के लिए, जब से मैंने इसका पांता भात खाया है। हाँ हाँ ये तो इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट है ना, कल इनका फिनाले है और ये गा नहीं पाएंगे। मेरा सोनी पे एक नया शो शुरू हो रहा है, मेरे को मेरे गले का ख्याल रखना है प्लीज, और उसके बारे में दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा। हर्ष लिम्बाजिया एक्स पे, इस चैनल पे कोई जगह नहीं तुम्हारे शो के लिए, इसमें बताऊंगा दोस्तों। यस हर्ष सही कह रहा है, उसका नया शो शुरू होने वाला है सोनी टीवी पे, वो बहुत जल्दी हम आप लोग को बताएंगे। अलग अलग दो स्टेट का खाना खाया, इतना अच्छा और हैवी फील हो रहा है ना, अब मैंने रात को कुछ खाना नहीं खाना, मतलब आज का खाना खा के मजा आ गया, इसे कहते हैं महाराजा भोग। सो मेरा थोड़ा यही आइडिया होता कि मैं सुबह मेरा ब्रेकफास्ट हैवी होता है ऐसे वाला, फिर लंच भी हैवी होता, फिर धीरे 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 कम होता जाता है, तो अब मैं पीऊंगी जीरा पानी और बस ब्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। यस मैं एक्साइटेड हूँ, हर्ष का शो आ रहा है, मेरा लाफ्टर शेफ कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आखिरकार, तो कलर्स टीवी बताएगा, उनको भी कमेंट करना। पांता भात शुरू हो गया उधर, हाँ
मैं बना बना मर गई और तूने दे दिया? भैया बोले लेके आओ, भूख लगी है।